बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आशिम अज़ीम बीटी के इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वो बहरिया की वन ऑफ द मोस्ट टॉप ऑफ द लाइन लोकेशन में से एक है, जो कि है बहरिया गोल्फ सिटी। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पीछे जो है बहरिया गोल्फ कोर्स है, 16 होल गोल्फ कोर्स है। आज यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, हमने सोचा कि हम लोग जो है आज को एक कैनाल यानी 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स पे कोई वीडियो बनाएं, क्योंकि काफ़ी इसकी भी हमें क्वेरीज आती थी कि आप लोग जो है 500 गज़ के प्लॉट पर कोई वीडियो नहीं करते, तो हमने सोचा उसी हिसाब से किया जाए। अगर मैं 500 गज़ की बात करूं तो इसमें भी बहरिया के अंदर काफ़ी ऑप्शंस हैं। हमारी कोशिश हमेशा से ये होती है कि हम लोग उन प्रीसेंट्स या उन प्लॉट्स की हम लोग बात करें जो लोकेशन वाइज भी आपके लिए मौजूद हो, अगर इन्वेस्टमेंट के एतबार से देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के एतबार से भी मौजूद हो, और अगर आप वहाँ पर फ्यूचर के अंदर अपने बच्चों के लिए रिहाइश के एतबार से कोई जगह देख रहे हैं तो उस हिसाब से भी वो जगह मुनासिब हो। तो बहरिया गोल्फ कोर्स एक ऐसी ही लोकेशन है जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हैं, यहाँ पर अगर फ्यूचर के अंदर जो है यहाँ पे आप रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, तो 500 गज़ के अंदर ये प्रीसेंट रहने के लिहाज से भी काफ़ी मौजूद है। खैर, अगर जो लोग 500 गज़ के प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं उस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। तो चलते हैं हम लोग अपनी मेन वीडियो की तरफ। अच्छा, अगर मैं बहरिया गोल्फ सिटी की लोकेशन की बात करूं तो मेन गेट से जो यहां तक का डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन 20 से 21 किलोमीटर का बनता है। अच्छा, फिर लोकेशन वाइज अगर मैं स्ट्रेटेजिकली बात करूं यहां की लोकेशन की, तो यहां पे आपको ये बेनिफिट है कि इसके जो कोई 5 से 6 एंट्रेंसेज हैं, यानी मेन जिना से भी आप इसकी अप्रोच है, आप मेन जिना से भी यहाँ पर आ सकते हैं, अली ब्लॉक से भी इसके एंट्रेंस है, प्रीसेंट 11B से भी एंट्रेंस है, प्रीसेंट 26A से भी एंट्रेंसेज हैं। तो अगर मैं लोकेशन से बात करूँ, जिस तरह अक्सर यहाँ बहरिया के अंदर कुछ प्रीसेंट्स के अंदर देखा गया है कि उसके अंदर एंट्रेंस और एग्ज़िट की जो लोकेशन होती है वो बहुत कम होती है, तो यहाँ पे लोकेशन वाइज अगर आप देखें कि आप जिना से आ रहे हैं, अली ब्लॉक से आ रहे हैं, मिडवे से आ रहे हैं, तो आपको जो है इसमें काफ़ी जो है एंट्रेंस और एग्ज़िट पॉइंट मिलते हैं। अच्छा, एक तो हो गई इसकी बात लोकेशन की। अब मैं अगर जो है इसकी यहाँ पर प्राइसिस की बात करूँ, प्राइसिस के अतबार से इस पर 500 गज़ का प्लॉट जो गोल्फ सिटी के अंदर है वो 90 लाख रुपये से स्टार्टिंग होती है उसकी, और वो 2 करोड़ रुपये तक जाता है। अच्छा, ये जो 90 लाख से 2 करोड़ रुपए का इतना डिफरेंस यहाँ पे, क्योंकि आपको सुनने में थोड़ी हैरानी होगी, तो उसकी वजह भी मैं साथ साथ बताता चलूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहरिया गोल्फ सिटी जो है काफ़ी बड़ा प्रीसेंट है, यानी ये तकरीबन दूसरे प्रीसेंट देखूँ तो 2-3 प्रीसेंट मिला के ये एक प्रीसेंट बनता है। तो इसके अंदर आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं लोकेशन, इसके पीछे जो है बिल्कुल बहरिया गोल्फ कोर्स है। अगर मैं इसके सराउंडिंग में प्लॉट लेता हूं तो वो आपको 1.25 से 2 करोड़ रुपए पे मिलता है। इसके अलावा जहां से अभी हम लोग एंटर हुए हैं रोड 1, वहां पे आप लेते हैं, वहां पे आपको 160-170 का प्लॉट मिलता है। फिर इससे अगर मैं नीचे की तरफ लोकेशन पर चले जाऊँ, वहाँ पर आपको 110-120 मिलता है। फिर इसके अलावा अगर मैं इसमें थोड़ा सा और आगे की तरफ चला जाऊं, बिल्कुल इसके समझे एक एंड से हम लोग अगर एंटर हुए हैं, इसके दूसरे एंड पे मैं चला जाऊं, तो वहाँ पे आपको 90 से 95 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है अलॉटमेंट के साथ, रेडी फॉर पोजेशन, जहाँ आप प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पर प्राइसेज इतनी वेरी होती हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर गोल्फ के अंदर जो अट्रैक्शंस की बात करूँ, तो देखें, एक तो मैंने आपको बताया कि इसकी लोकेशन के एंट्रेंस और एग्ज़िट पॉइंट है वो काफ़ी हैं, तो आपको अली ब्लॉक से भी एंट्रेंस है, अली ब्लॉक इसके नियरेस्ट है, प्रीसेंट 11A है, तो एक इसके एतबार से जो अली ब्लॉक में भी अच्छी खासी आबादी है, 11A भी अभी आबादी है, तो इसकी सराउंडिंग में जो 500 गज़ का ऑप्शन है वो सिर्फ आपको गोल्फ सिटी के अंदर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे पीछे आप मेरे देख रहे होंगे 16 होल गोल्फ कोर्स है, वो भी ऑपरेशनल है। यहाँ पे क्लब हाउस है, अमन क्लब हाउस के नाम से, उसकी भी रजिस्ट्रेशन खुली हुई है, तो यानी अभी से आप जो है ये फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। और जब ये प्रॉपरली जब ये गोल्फ कोर्स पूरा ओपन हो जाएगा तो आप देखेंगे, क्योंकि अभी तो देखें बहुत ही बहरिया की मार्केट में प्राइसेस में काफ़ी आपको कम पैसों में मिल रही है। ये अपनी पीक के ऊपर जो है यहाँ पे मिनिमम प्लॉट जो है 1.25 करोड़ रुपए का था, और फिर 2.5 से 3.25 करोड़ रुपए तक गया है। तो अभी तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट के एतबार से भी, और 500 गज में अगर आप प्लॉट को लेना चाहते हैं रिहाइश के, उसके एतबार से। अच्छा, इसके अलावा जो है अट्रैक्शंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसके अंदर एक चीज़ जो है आप इसके देख सकते हैं कि बहरिया टाउन का स्कूल भी यहाँ पे है, वो भी ऑपरेशनल है। पीछे जो है यहाँ पे मस्जिद है, वो भी ऑपरेशनल है। तो यहाँ पे जो अक्सर जो सरगर्मियाँ होती हैं नॉर्मल, वो भी आप देख रहे हैं।
वो भी साथ साथ जो है ऑपरेशनल हो गई, और इन फ्यूचर आप देखेंगे कि 500 गज के एतबार से ये वो प्रीसेंट होगा जो कि बहुत जल्द आबाद होगा। और जो इस तरीके की लोकेशन है, मतलब आपको शहर के अलावा भी जो बहरिया टाउन के अंदर भी 500 गज के एतबार से अगर आप प्लॉट देख रहे हैं, तो ऐसी लोकेशन आपको बहरिया के अंदर भी बहुत ही मुश्किल है कि वो मिले। तो लोकेशन के एतबार से भी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, और अगर आप रिहाइश करना चाहते हैं उस एतबार से भी, बहुत ही मौजूद प्रीसेंट है। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको बहरिया गोल्फ सिटी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। अगर आप बहरिया गोल्फ सिटी में अपना प्लॉट लेने के ख्वाहिशमंद हैं, या आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट मौजूद है और आप उसको सेल आउट करना चाहते हैं, तो आप दोनों चीज़ों के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे होंगे। आपके जो है अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर किया जाए, क्योंकि आपकी राय हमें जो है वीडियोस को इम्प्रूव करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। और बाकी इसी तरीके से अपना फीडबैक और प्यार देता रहिएगा। अगली वीडियो तक मुझे हाशिम अदीम को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।